Xiaomi ने लॉन्च किया है अपना एक न्यू लैपटॉप कम टैबलेट जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है Xiaomi Book S। अब दोस्तों ये टैबलेट भी है लैपटॉप भी है, इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताऊंगा कैसे काम करता है बेसिकली, क्या इसके अंदर चिपसेट वगैरह लगा हुआ है। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले Xiaomi Book S की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 12.4 इंच की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आने वाली IPS डिस्प्ले। दोस्तों ये डिस्प्ले देखने में आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर आपको 100% कलर गैमिट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस आपको 500 निट्स देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्प्ले को आप इजी तरीके से सनलाइट में भी ले जाएंगे तो आपको इजी तरीके से जो कंटेंट है डिस्प्ले पर वो विजिबल हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको 12.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो बात करें इस लैपटॉप कम टैबलेट के प्रोसेसर के बारे में, तो Xiaomi Book S पावर्ड है स्नैपड्रैगन के 8cx जनरेशन 2 चिपसेट से, जो कि दोस्तों बेसिकली स्नैपड्रैगन 865 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। और दोस्तों ये एक आपको विंडोज 11 बेस्ड आपको टैबलेट कम लैपटॉप देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको विंडोज 11 चलती हुई देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एक पहली बार आर्म बेस्ड प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है किसी Xiaomi के लैपटॉप के अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा बताया गया है कि इंटेल का जो i5 आता है उसके अप्रोक्स यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों परफॉर्मेंस कैसी होगी वो तो रियल टाइम में जब इसको यूज करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी दोस्तों ये है कि विंडोज 11 पर बेस्ड आपको देखने को मिलता है लैपटॉप। बात करें इसके रैम एंड रिसोर्स की, तो यहाँ पर आपको LPDDR4 बेस्ड 8GB की रैम देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 256GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसको एक्सपेंड करने के लिए इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड वगैरह का भी स्लॉट दिया गया है, तो ये चीज काफी अच्छी है। बाकी दोस्तों बात करें कैमरास की, तो इसके अंदर आपको Xiaomi Book S में बैक में देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों कैमरास की क्वालिटी अगेन यहाँ पर फुल एचडी प्लस में कैमरास रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको बेसिक सी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये बेसिकली आपको एक लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलता है, लेकिन जब आप इसको चाहें तो डिटेचेबल करके एज ए टैबलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस टैबलेट ये कोई नॉर्मल टैबलेट की तरह नहीं है, ये एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट नहीं है, ये विंडोज 11 पर ये टैबलेट चलती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो जब आपका मूड हुआ कि हमें इसको विंडोज 11 मतलब एक तरह से विंडो वाली टैबलेट यूज करनी है तो आप इसके कीबोर्ड को अलग हटा सकते हैं और नॉर्मली एज ए टैबलेट यूज कर सकते हैं। और जब आपको मन हुआ कि एज ए लैपटॉप यूज करना है तो दोस्तों इसका जो आपका नीचे का कीपैड वगैरह देखने को मिल जाता है वो सारी चीजें ज्वाइन कर आप एज ए लैपटॉप यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको 2-in-1 बोलते हैं, 2-in-1 लैपटॉप कम टैबलेट। तो इस टाइप से ये आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको स्टाइलस का भी सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से आप अपना ये जो टैबलेट है Xiaomi Book S इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कुछ और नोट्स वगैरह लेने के काम या फिर दोस्तों अगर आपको ड्रॉइंग वगैरह करना पसंद है वो सारी चीजें यहाँ पर आप काफी इस तरीके से कर सकते हैं। बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको Xiaomi ने क्लेम किया है कि Xiaomi Book S के अंदर आपको 13 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो आप मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ इसलिए भी ग्रेट होगी क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि आर्म्ड बेस्ड होता है, तो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसको चार्जिंग करने के लिए 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट इसके अंदर दिया गया है, आप उसकी मदद से आप इजी तरीके से इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं और अदर एसेसरीज वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ और पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है, एक टाइप सी पोर्ट तो देखने को मिल ही जाता है। साथ में दोस्तों 3.5mm का जैक दिया गया है जिसके थ्रू आप इस तरीके से अपने एक तरह जो ईयरफोन्स वगैरह होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप सारी की सारी डिवाइसेस वगैरह इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये Xiaomi Book S आपको देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो अप्रोक्स 700 ग्राम के अप्रोक्स आपको ये टैबलेट देखने को मिलेगी, तो यार ठीक ठाक सा वेट आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी मेन प्राइसिंग की, तो इसकी जो यूरोप में प्राइसिंग वगैरह है वो 50,000 के समथिंग लॉन्च हुई है जो कि मेरे हिसाब से यार थोड़ा ओवर प्राइज्ड है। अब दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में भी चांसेस है इसके आने के, इंडिया में इसकी क्या प्राइस होती है। अगर दोस्तों ये 30,000 से 40,000 रुपीज के रेंज में आता है, 40 तक आता है, तो भी ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं टैबलेट और लैपटॉप के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वालकॉम का प्रोसेसर है, बाकी जब ये मार्केट में आता है इसके रिव्यूज वगैरह होंगे तब पता चलेगा कि किस टाइप से परफॉर्मेंस कर रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ये Xiaomi की तरफ से Xiaomi Book S एक न्यू एक तरह से प्रोडक्ट आया है इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर बताया जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।